नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, मौदा तहसील में पहली बार हमने पब्लिक पोल लिया है। मौदा तहसील के दुधारा बारसी गांव में हमने लोगों से बातचीत की है कि आखिर वो आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में अपना विधायक किसे चुनना चाहते हैं। खैर, आने वाले समय में हम और भी गांव जाएंगे, वहां से लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर वो क्या कहते हैं निष्पक्ष, हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल हम दुधारा बारसी चलते हैं, जहाँ लोग क्या कहते हैं, किसे पसंद करते हैं वो देखते हैं। कौन है? आशीष जायसवाल, डीएम रेड्डी, राजेंद्र मूलक की वही तर कोनी और अनखी कौन है? क्या है मनता पाउन जबरदस्त मानसा ले जायसवाल ले जायसवाल ले क्यों अपना आशीष जायसवाल? क्योंकि वो हम कभी भी उसके पास जा सकते हैं मदद के लिए। अच्छा, हो उसके पास तो नहीं जा सकते ना। विशाल बाबू की नया है, वो काम भी अपना करता है कि नहीं हमें पता नहीं, पर ये जो जायसवाल है अपना वो करता है अपना। लोग हैं और भी लोग हैं, उसमें से क्या लगता है उनके बारे में? उनके बारे में जैसे रेड्डी है, मुड़क है, गज्जू यादव का नाम है कहीं? नहीं, वो नहीं, सिर्फ जायसवाल। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा मतलब कुछ काम किया है ना हमारे गांव में। आप किसको देख रहे हैं? हम आशीष जायसवाल को देख रहे हैं। अच्छा, आशीष जायसवाल, क्योंकि वो हमारा कैसे पुराने हर इधर इधर का काम वही कर रहा है। अच्छा, दो चार नाम भी आ रहे हैं सामने, उसमें से क्या लगता है कि कौन टिकेंगे? आशीष जायसवाल ही टिकेगा। आशीष जायसवाल हमारे काका जी वोट पता नहीं है। भाऊ तुम बताओ क्या लगता है तुमको? हमारे को क्या लगेगा? अरे कुछ तो लगता होगा। नहीं, अपना तो पार्टी अलग है। चाहिए कौन सा पार्टी है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी है तो फिर कांग्रेस में किसको? कांग्रेस में तो दो तीन नाम चल रहे हैं ना, मुड़क है, गज्जू यादव का नाम चल रहा है, फिर किसको देंगे? अपना मुड़क ही रहेगा ना। मुड़क रहेगा। आपके गाँव का नाम क्या है? दुधाड़ा। दुधाड़ा। अच्छा, अभी आने वाले एक साल के बाद में चुनाव है ना, तो अगला आमदार किसको देखना चाहते हैं यहाँ पे इस क्षेत्र से? ये तो कौन था? ये अपन किसको चुनना चाहते, कैसा आमदार चाहिए आपको? चांगला पाई की पाऊ ये रोड पालक राम देख ले दे तो हमें दे ले राम देखो ले ले आसिफ। अरे यार भैया ये बताओ कि आप वोटिंग करते होंगे ना? हाँ, करते ना। तो अभी आप अगला आमदार किसको देखना चाहते हैं रामटेक में? आमदार जो पहले आमदार थे वो अच्छे काम करते रहेंगे, ऐसी उनसे हम बोलने। मेरे को सिर्फ नाम चाहिए, एडवोकेट आशीष नंदकिशोर जायसवाल। जायसवाल अभी मुड़क का भी नाम चल रहा है और भी दो तीन नाम चल रहा है। हाँ, मुड़क जी है, कैलाश भाऊ है। इसमें सबसे आगे किसको लगता है कौन होंगे इस बार? हमको तो लगता है आशीष नंदकिशोर जायसवाल ही लगते हैं। दमदार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, किसके जैसा होना चाहिए? एकाध नाव अपने मोदी जैसा। मोदी जैसा? अरे हाँ। कौन है मोदी जैसा अपने रामटेक विधानसभा में? मोदी तो प्रधानमंत्री है ना, मोदी तो प्रधानमंत्री है। हाँ, तो वो वैसा होना। कौन है अपने जैसा? अरे वहाँ पे कौन चुनेंगे हम? यहाँ पे होगा ना रामटेक में, कोई तो भी होगा ऐसा, कोई नहीं है रामटेक में। आमदार किसको देखना चाहते हैं अभी अगला अपने एरिया से? अपना आमदार चाहे ना। कौन है? जायसवाल। काका जी आप किसको देखना चाहते हैं? जो हमको ज्यादा पैसे देंगे उसको देंगे। अरे तो डायरेक्ट कैमरे के सामने बोल रहे हैं। नहीं तो क्या, 5,000 में वोट थोड़ी बिकता है, 5 साल थोड़ी बेचता है आदमी। किसको तो भी चुनना, किसको चाहते हैं आप? नहीं नहीं, जो ज्यादा पैसे देंगे उसको। अच्छा ठीक, आप किसको देखना चाहते हैं? कैसा होना चाहिए आमदार? जायसवाल। काम से खुश हैं? दोस्तों, फिर अगली बार नई जगह नए गांव में जाके हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो विधायक के रूप में किसे पसंद करते हैं। आप हमारे साथ देखते रहे आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ।